विषय कला, रोजगार संबंधित जानकारी, जागरूकता, विकास एवं उचित मार्गदर्शन हेतु ये वीडियो बनाई जा रही है। जो छात्र छात्राएं कला विषय से अध्ययन कर रहे हैं, कला विषय को अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे इसे अवश्य ध्यानपूर्वक देखें व समझें। उत्तराखंड राज्य से जिला देहरादून से मैं दीपक कनौजिया, एक अध्यापक, कलाकार और लेखक। कला विषय एक महासागर की तरह है, रोजगार का भंडार है। ये उसी तरह से जिस तरह से एक रेलवे जंक्शन होता है जहाँ से सैकड़ों ट्रेन जाती है, अर्थात कला विषय से अध्ययन करने के पश्चात आप पे सैकड़ों रोजगार के अवसर मिलते हैं। रेलवे जंक्शन से हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है, अर्थात कला विषय से अध्ययन करने के पश्चात आप बेरोजगार नहीं रह सकते। रेलवे जंक्शन से रेलवे लाइन हर दिशा में, चारों दिशाओं में जाती है, अर्थात कला विषय से अध्ययन के पश्चात आप पे अपना शहर, अपना राज्य या भारत के किसी भी राज्य में आप जॉब के लिए जा सकते हैं। आप ट्रेन भी कई प्रकार की होती है, जैसे जनरल ट्रेन, स्लीपर, एसी, अर्थात कला विषय से अध्ययन के पश्चात आप पे उससे संबंधित कई विभिन्न प्रकार की डिग्रियां होती हैं जो आप ले सकते हैं और उससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आर्ट टीचर, सभी सरकारी स्कूल, सभी अशासकीय स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल में टीजीटी, पीजीटी आर्ट टीचर की वैकेंसी होती है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी आर्ट टीचर की भी वैकेंसी होती है। टीजीटी 6 से लेकर 10 तक की कक्षाओं के लिए टीजीटी आर्ट टीचर की वैकेंसी निकलती है, जिसे कुछ राज्यों में एलटी के नाम से भी जाना जाता है। इंटर स्कूल के लिए पीजीटी की आर्ट टीचर की वैकेंसी होती है, जिसे कुछ राज्यों में प्रवक्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए अनिवार्य योग्यता है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, आपने आर्ट विषय से किया हो, या बीएफए या एमएफए। बीएड भी अब मांगा जाने लगा है, इसलिए ग्रेजुएट प्लस बीएड होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कि आपके जिले में, आपके राज्य में, पूरे भारत में हर गली मोहल्ले में स्कूल है, अर्थात आर्ट टीचर की वैकेंसी आप पे अनगिनत, आर्ट टीचर के आप पे अवसर प्राप्त हैं यदि आप आर्ट टीचर से अपना करियर बनाना चाहते हैं। आर्ट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अर्ध सरकारी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में होती है, बीएफए एमएफए कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है। ड्राइंग पेंटिंग, मूर्तिकला, अप्लाइड आर्ट, प्रिंटिंग कला आदि से आप पोस्ट ग्रेजुएट हों, प्लस यूजीसी नेट के परीक्षा उत्तीर्ण हों, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पीएचडी एक अतिरिक्त योग्यता है, अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट अनिवार्य है। पूर्व में पीएचडी से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे, लेकिन वर्तमान में यूजीसी नेट अनिवार्य परीक्षा है प्लस पीएचडी। केवल पीएचडी के आधार पर आप डिग्री कॉलेज, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लैब असिस्टेंट, डिग्री कॉलेज में सरकारी या प्राइवेट या बीएफए फाइन आर्ट कॉलेज में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होती है फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में। इसके लिए फाइन आर्ट से आप डिग्री होनी चाहिए और
आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर्वे ऑफ इंडिया, इनमें भी आर्टिस्ट की वैकेंसी होती है। पुरातत्व विभाग में तो पूरा एक डिपार्टमेंट ही होता है आर्टिस्ट के लिए, जहाँ पर आर्ट विषय के भिन्न विषयों पर अनुभव प्राप्त आर्टिस्ट होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये चारों डिपार्टमेंट हर राज्य में होते हैं और एक हेड ऑफिस होता है भारत के किसी राज्य में। इस तरह से आप पे इन चार डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट के लिए वैकेंसी है। आर्ट रजिस्टर, समय गुजरता है और हमारी जरूरतें सदियों तक इतिहास को यादगार बनाए रखती हैं। इसमें आर्ट रजिस्टर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारी पुरानी धरोहरें ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, पेंटिंग, मूर्ति आदि उसी रूप में संरक्षित करने का काम करते हैं आर्ट रजिस्टर, जैसे कि वे सदियों पूर्व हुआ करती थी। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी इमारतें हैं भारत में, पुरातत्व विभाग द्वारा समय समय पर खुदाई होती है, जिसमें हमको प्राचीन पेंटिंग, मूर्ति आदि हमको मिलते हैं, जिसमें आर्ट रजिस्टर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरातत्व विभाग, आर्ट गैलरी, म्यूजियम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी आर्ट रजिस्टर के से आप पहुंच सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री से डिग्री लेने के पश्चात आप म्यूजियम में विभिन्न पुरातत्व विभाग, टीचिंग एजुकेशन एंड पब्लिक प्रोग्राम ऑफिसर, आर्ट जर्नलिस्ट, आर्ट डीलर, क्यूरेटर, आर्ट थेरेपिस्ट, डिजाइनर, एडिटर आदि की में आप जा सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री से डिग्री लेने के पश्चात आप अपनी योग्यता के साथ, अपने अनुभव से आधार पर आप आर्ट थ्योरी पर बुक भी प्रकाशित कर सकते हैं। आर्ट एग्जीबिशन, बड़े स्तरों पर आर्ट गैलरी, बड़े होटलों, मॉल में कला प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। राज्य स्तर कला प्रदर्शनी, राष्ट्रीय स्तर, ग्रुप शो, एकल कला प्रदर्शनी, इन प्रदर्शनी नाम, पहचान और आमदनी बड़े स्तर पर मिलती है। केवल दिल्ली में ही 98 आर्ट गैलरियां हैं। इसके अतिरिक्त होटल, मॉल आदि बड़े संस्थानों में कला प्रदर्शनियाँ लगती हैं प्रतिदिन। लाखों पेंटिंग प्रतिदिन मार्केट में रखी जाती है विक्रय हेतु। इतनी अधिक संख्या में मात्र दिल्ली में आर्ट गैलरी होना इस बात को इंगित करता है कि ये व्यवसाय विकास की ओर अग्रसर है। एक पेंटिंग की कीमत दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,00,000,10,00,000 करोड़ तक पहुंचती है। भारत के प्रमुख प्रसिद्ध कलाकारों त्याग मेहता, अकबर, पंजी रजा, मंजित बाबा, हुसैन, सुजा, गायतोंडे जैसे कलाकारों की मात्र एक पेंटिंग की कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होती है। मूर्ति कला, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जी की एक मूर्ति के निर्माण में लगभग 3,000 करोड़ रुपए लगने का अर्थ है कि मूर्ति कला का व्यवसाय काफ़ी उन्नति की ओर अग्रसर है। मूर्ति कला व्यवसाय से अच्छी आय व प्रसिद्धि मिलती है। प्रसिद्ध चौराहों प्रसिद्ध हस्तियों, नेताओं, स्वतंत्रता सेनानी, वीर भारतीय जवान आदि की मूर्तियों का निर्माण शहर सौंदर्यीकरण हेतु एवं मुख्य मार्ग का सौंदर्यकरण हेतु मूर्तियों का निर्माण, पार्क, म्यूजियम, लाइब्रेरी, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थानों आदि पर मूर्तियों का निर्माण होता है। ये व्यवसाय काफ़ी उन्नति की ओर अग्रसर है। अप्लाइड आर्ट, सिर्फ डिग्री लेने के पश्चात एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक इंडस्ट्री, प्रोडक्ट पैकिंग डिज़ाइन या BFA कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि अप्लाइड आर्ट के बारे में बताया जाए तो पूरा 1 घंटा लगेगा। इसका क्षेत्र इतना अधिक बड़ा है। एनिमेशन, आर्ट से हम आगे एनिमेशन की डिग्री ले सकते हैं और इसको व्यवसाय को अपना सकते हैं। इससे हम कंप्यूटर गेम्स डेवलपर, आपने कार्टून मूवी जैसे देखा होगा टीवी में, छोटा भीम आता है, डोरेमोन, टिनटिन, मोंटी पतलू आदि इस तरह की फिल्में बनती हैं जो एनिमेशन के आधार पर
बनती हैं। आज बड़े बड़े पर्दों की भी मूवी, कई मूवी ऐसी हैं जो एनिमेशन पर आधारित हैं, बनाई जाती है। इस तरह से एनिमेशन का जो रोजगार है वो भी काफी उन्नति की ओर अग्रसर है। नीट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पर आधारित ये कोर्स होते हैं, जैसे आर्ट्स ऑफ फर्नीचर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, सिरेमिक ग्लास डिजाइनिंग, टॉय डिजाइनिंग, एनिमेशन एंड फिल्म डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग आदि कोर्स होते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार इस कोर्स को कर सकते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा कि आपके पूरे टॉय की पूरा शोरूम है। ये टॉय विभिन्न प्रकार के आ रहे हैं, विभिन्न डिजाइन के आ रहे हैं। इनको आर्टिस्ट जो डिजाइनर है वो डिजाइन करता है। इंटीरियर डिजाइनर होता है, जैसे आपने होटल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, उनको डिजाइन करने के लिए इंटीरियर डिजाइनर नियुक्त होते हैं। फर्नीचर डिजाइनिंग होती है, बड़े बड़े कपड़ों की मिलें होती हैं जो टेक्सटाइल डिजाइनर वहाँ पर नियुक्त किया जाता है और कपड़े जो डिजाइन तैयार करती है। आपने देखा होगा कि ये मार्केट में जो कपड़ा आता है, ये कपड़े का डिजाइन कैसा है, कलर कैसा है, ये टेक्सटाइल जो डिजाइनर होता है, इस तरह के ये कपड़ा जो मार्केट बिकता है वो कपड़े के डिजाइन के ऊपर बिकता है। जो आर्टिस्ट पर काम करता है उसकी क्वालिटी क्या है, ये बाद में हम देखेंगे। यानी कपड़े जो मार्केट में बिकते हैं, ड्रेस है, पोशाक है, या बेडशीट है, या जींस पैंट शर्ट या डिजाइनर साड़ी है, उसका में आर्टिस्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके डिजाइन को लेकर, उसके कलर को लेकर, इस तरह से जो कंपनियां होती है जहां पर, या कपड़ों की मिलें होती है वहां पर आर्टिस्ट नियुक्त होते हैं। ग्लास कप प्लेट में आपने देखा होगा डिजाइन होते हैं, अलग अलग डिजाइन की आ रही हैं जिस पर आर्टिस्ट जो काम करते हैं। फर्नीचर डिजाइनिंग होती है जिस पर अलग अलग आपका फर्नीचर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के भी आ रहे हैं, उस पर काम किया जाता है। इस तरह से हर प्रोडक्ट के लिए या अलग तरह से कई डिजाइन कोर्स चलते हैं मार्केट में, जिनको आप अपनी रुचि के अनुसार अपना सकते हैं और इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। फैशन डिजाइनर, इस तरह से फैशन डिजाइनर भी आप अपना सकते हैं इस व्यवसाय को। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, करोड़पति हैं, जो अपने लिए स्पेशल एक फैशन डिजाइनर रखते हैं, या स्वयं का हम अपना काम भी खोल सकते हैं। बड़ी बड़ी मिलें होती हैं टेक्सटाइल डिजाइन, जहाँ पर इस तरह से फैशन डिजाइन को रखा जाता है। ज्वेलरी डिजाइनिंग, यदि हमारी रुचि ज्वेलरी डिजाइनिंग में है, हम ये कोर्स भी कर सकते हैं जो आर्ट पे आधारित ही होता है। गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी, जहाँ पर उसमें वहाँ आर्टिस्ट को रखा जाता है इसको डिजाइन करने के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बहुत आ रही है, जिस कंपनी जो इसे बनाती है वो आर्टिस्ट को नियुक्त करती है उसके डिजाइन के लिए। कार्टून आर्टिस्ट भी बना जा सकता है। अब देखा होगा वीडियो गेम होते हैं, उसमें बहुत कार्टून आर्ट मूवी आर्ट टाइप की आती हैं, जिसको आर्टिस्ट डिजाइन करता है। 3D एनिमेशन कैरियर होता है, ग्राफिक डिजाइन कैरियर होता है, कार्टून कैरियर होता है, न्यूज़पेपर या प्रेस या टीवी का मत होते हैं, उसमें भी कार्टून आर्टिस्ट हम बन सकते हैं। मैगजीन आती है, कॉमिक्स आती है बच्चों की बहुत सारी, उसमें भी कार्टून मूवी आती हैं, कार्टून मैगजीन आ रही है जिसमें आर्टिस्ट काम करता है। इस तरह से आपने देखा होगा बीच में चाचा चौधरी नाम आती थी, बहुत फेमस हो गए थे वो कार्टून। इस तरह से और भी कई सारे कार्टून हैं जो जिन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई है और एक अच्छी आय प्राप्त करी है। कंप्यूटर डिजाइनिंग, जो आर्ट से रिलेटेड कोर्स चल रहे हैं उन पर कंप्यूटर डिजाइनिंग कोर्स भी हो रहे हैं बहुत सारे। हम कंप्यूटर डिजाइनिंग कोर्स इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं या कंप्यूटर डिजाइनिंग रिलेटेड
वर्क कर सकते हैं, जैसे कवर पेज डिजाइनिंग, बुक डिजाइनिंग, कैटलॉग डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, इन्विटेशन कार्ड डिजाइनिंग आदि का काम भी किया जा सकता है। टैटू आर्ट, टैटू आर्ट नए दौर में युवाओं के फैशन स्टेटमेंट का हिस्सा बन चुका है। इन दिनों टैटू आर्ट में चलन में आने से इसमें करियर की संभावनाएं भी बढ़ी हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं काफ़ी। आवश्यक है कि आप कलात्मक क्षेत्र में माहिर हों और त्वचा संबंधी बीमारियों और संक्रमण के प्रति संवेदनशील एवं जानकारी बदलते फैशन से अपडेट, इंटरनेट सेमिनार और वर्कशॉप द्वारा अपडेट आप हों। योग्यता और प्रसिद्धि के आधार पर आपकी आय निर्भर करती है। अगर आपके पास निवेश के लिए रकम है तो खुद का स्टूडियो खोलकर अच्छी प्राप्त आय प्राप्त कर सकते हैं या टैटू एक्सपर्ट बन सकते हैं। आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है आर्ट कला से, जिससे आप पेंटर, आर्टिस्ट या स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। वॉल राइटिंग, पेंटिंग, बैनर बोर्ड राइटिंग वर्क आगे किया जा सकता है। ड्राइंग पेंटिंग से आप कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं अपना, जहां पर आप छात्र छात्राएं आते हैं और ड्राइंग पेंटिंग सीखते हैं और इससे एक अच्छी खासी आय आप प्राप्त कर सकते हैं। लघु स्तर पर भी कार्य किया जाता है जो इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, चार्ट पेपर, प्रोजेक्ट डायग्राम बनाते हैं और अपने घर के पास ही इस तरह के एक आय का साधन उपलब्ध हो जाता है। बहुतों को जरूरत होती है इस तरह से डायग्राम बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, चार्ट पेपर बनाने के लिए, तो वो आते हैं और इस तरह से एक लघु स्तर पर व्यवसाय किया जा सकता है। किताबों में चित्रांकन, गवर्नमेंट की बुकें हैं, प्राइवेट बुकें हैं, डिग्री कॉलेज की किताब, मैगजीन में चित्रांकन, कॉमिक्स में, बड़े स्तर पर किताबों में आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कितने तो बोर्ड हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, अलग अलग क्लासें हैं, सबके लिए अलग अलग बुक होती हैं, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, यानी किताबों का भंडार महासागर है। इतने सारी मैगजीन होती हैं, बच्चों की किताबें आती हैं, यानी सब में चित्रांकन का कार्य होता है। इस तरह से आप एक बुक में आपका काम करते हैं, धीरे धीरे नाम कमाते हैं तो आपको बहुत सारी किताबें मिलती हैं और कई प्रिंटिंग प्रेस में। इस तरह से ये व्यवसाय बहुत बड़ा है, बहुत स्तर पर है, लाखों करोड़ों किताबें हैं मार्केट में जिसमें काम आर्टिस्ट का चित्रांकन कार्य होता है। और इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट की बुकें भी आती हैं जिसमें जो आर्टिस्ट अपनी योग्यता के आधार पर लैंडस्केप, ह्यूमन बॉडी या नेचर पर आधारित बुक निकालता है और जो छात्र छात्राएं हैं कला विषय से अध्ययन कर रहे हैं वो ऐसी किताबों को लेते हैं और कॉपी करके उससे सीखते हैं। इस तरह की किताबें भी मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में हैं, यानी आप जो आर्टिस्ट हैं वो इस तरह की अपनी मैगजीन में अपनी बुक पर निकाल सकता है जिससे दूसरों को सीखने का मौका मिलता है। राज्यसभा में भी एक सीट होती है आर्टिस्ट के लिए, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस पर आधारित जो होती है और राज्यसभा में भी सीट मिलती है। इसके अतिरिक्त भारत के चार बड़े अवार्ड होते हैं, भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी आर्टिस्टों को कला के क्षेत्र में मिलता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कला विषय पर अनगिनत आपके रोजगार के अवसर मिलते हैं। आप गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर में या स्वयं का व्यवसाय खोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कला विषय में आपकी रुचि है, तभी आप इसे अपनाएं और तभी हमको सफलता मिलेगी। और जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो छात्र छात्राएं इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं उनको समय पर गाइडलाइन किया जा सके, क्योंकि यदि हमें समय पर गाइडलाइन हो जाती है तो उस विधि से हम कैरियर बनाते हैं, कोर्स करते हैं, डिग्री लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया
और तब पता चलता है हमको कि अरे इंटरसीज तो हमें ये कोर्स करना चाहिए था। तब समय हमारा बर्बाद हो जाता है, समय नष्ट होता है।